फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ झटपट से बनने वाला चटपटा गाजर मूली और मिर्ची का अचार। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, यकीन मानिए। एक बार बनाएं और 15 से 20 दिन तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं बिना फ्रिज के भी। तो चलिए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने तैयार किया गाजर मूली और मिर्ची का ये चटपटा अचार। इंस्टेंट अचार बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 250 ग्राम के करीब मूली। इस तरीके अच्छे से धो के पोंछ के और इस तरीके से लंबे लंबे आकार में काट लिया। आपको जैसे भी आकार में काटना है आप काट सकते हैं। इसी तरीके से 250 ग्राम में मैंने गाजर लिया है, उसको भी अच्छे से धो के पोंछ के मैंने इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए। साथ ही मैंने ले लिया हरी मिर्च, ये 50 ग्राम के करीब है, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया और बीच में इस तरीके से कट लगा दिए। तो इस तरीके से हमने तैयार कर ली गाजर मूली और मिर्ची। तो चलिए अब इसके लिए एक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे फ्राई पैन। हम सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ले लिया है। साथ ही ले लेंगे 1 चम्मच सौंफ। इन सब मसालों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे अचार में। और साथ ही ले लेंगे 1 चम्मच जीरा। यहाँ पे मसाले आप प्रिपेयर करके रख भी सकते हैं, थोड़े ज्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। जीरे के साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत ही अच्छा तीखा फ्लेवर आता है इसमें। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच मेथी। मेथी अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है, साथ ही बहुत हेल्दी भी होता है मेथी। और इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अब इन सब चीजों को हल्का सा हम अभी हल्का बहुत कम आंच पे हम हल्का सा भूनेंगे, इसे हल्का सा हमें रोस्ट करना है। तो ये देखिए लगभग मैंने 1 मिनट इन मसालों को कम आंच पे भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच सरसों, ये काली वाली सरसों है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पीली वाली सरसों। अगर आप चाहें तो पीली वाली सरसों को स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी चीजों को 1 मिनट और भून लेंगे हम। तो टोटल मैं 2 मिनट इसे फ्राई करूंगी, अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। कम आंच पे भुने मसालों को हमें जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे अचार में। ये देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। लगभग मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई किया है लगातार चलाते हुए। हमें इसे ज्यादा नहीं भुनना, इतना ही भुनना है कि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। गैस को बंद करने के बाद भी मसाले को चलाते रहें, ऐसे ही फ्राई पैन में ना छोड़ें, नहीं तो ये जल जाएंगे क्योंकि फ्राई पैन हमारा बहुत गर्म है। तो चलिए अच्छे से ठंडा होने देते हैं मसालों को, फिर हम इसे पीसेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जग और इसमें हम ये मसाले को डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। तो 1-2 बार आप पल्स मोड पे चला लें, बस हमारा मसाला तैयार हो जाएगा अचार का। मसाले को मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। तो चलिए इसको एक प्लेट में ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लूँगी एक प्लेट और इसमें सारा मसाला डाल दूंगी। तो ये देखिए हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है। इसी तरीके का पाउडर आपको बना के तैयार करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। तो यहाँ मैं डाल दूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और लगभग 2 से 3 चम्मच हम डाल देंगे इसमें नमक, नॉर्मल नमक है, नमक अच्छे से डालेंगे। नमक जो है अचार में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच नमक लिया है। बस अब कुछ नहीं करना, अब सभी मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया। इससे आप कोई भी अचार बना सकते हैं। अगर आप ये मसाला तैयार करके रखेंगे तो गाजर मूली का अचार बनाने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप चाहें तो एक साथ ऐसा मसाला प्रिपेयर करके रख सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। ज्यादा बना के ना रखें, इसकी जो खुशबू है वो चली जाती है, तो ज्यादा मात्रा में ना बनाएं, इतना बनाएं कि आप 1-1.5 महीने में उसे यूज कर लें। तो ये देखिए मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा बन गया गाजर मूली के लिए अचार का मसाला। तो चलिए अब बनाते हैं झटपट से अचार। तो अब हम बनाएंगे अचार। अचार बनाने के लिए मैंने ले लिया कढ़ाई, आप कोई भी कढ़ाई फ्राई पैन ले सकते हैं। इसमें ले लेंगे हम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल।
अचार सरसों के तेल में ही बनाए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने लगभग 2 चम्मच 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लिए। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, ये अचार का स्वाद तो बढ़ाएगा ही, अचार को खराब होने से भी बचाएगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया हींग। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने गाजर, मूली, मिर्ची प्रिपेयर करके रखा था, सबको इसी में डाल देंगे। तो ये देखिए तीनों चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें अदरक भी बारीक बारीक लम्बा लम्बा काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो चलिए अब हम इसे लगभग 1 मिनट फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट फ्राई करेंगे हम। तो ये देखिए गाजर मूली को मैंने लगभग 1 मिनट मीडियम आंच पे फ्राई कर लिया, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने प्रिपेयर करके रखा है, 1-1 चम्मच डाल के देखेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अभी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, एक बार मिक्स करके देख लेंगे, अगर और ज़रूरत होगी तो डालेंगे। ये देखिए मसाला भी मुझे कम लग रहा है, तो मैं 2 चम्मच और मसाला इसमें डाल दूंगी। ये देखिए चलिए इसको अब मसाला डालने के बाद 1 मिनट और फ्राई कर लेते हैं मसाले के साथ भी। तो ये देखिए अब मसाला सही है, अब हम नहीं डालेंगे। बचा हुआ मसाला आप दोबारा से गाजर मूली का अचार बनाने में यूज कर सकते हैं, इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। तो यहाँ मैंने लगभग सारा मिक्स करके मसाला लगभग 4 चम्मच डाला है, तो इसी हिसाब से आप देख लें। ये देखिए तो 1 मिनट हम मसाला डालने के बाद भी इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए मसाला डालने के बाद भी लगभग 1 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे या इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये अचार को मैंने गैस से नीचे उतार लिया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया। तो ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर, सफ़ेद वाला जो हम चाइनीज़ फूड में डालते हैं वही विनेगर डालना है। विनेगर डाल के भी अच्छे से मिलाएंगे, विनेगर जो है हमारे अचार का स्वाद तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसे खराब होने से भी बचाएगा। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा गाजर मूली और मिर्ची का इंस्टेंट अचार। तो चलिए अब इसे एक डब्बे में भर के रख देंगे और 15 से 20 दिन तक आप बिना फ्रिज के भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो झटपट से बनाएं और चटपट से खाएं। तो ये लीजिए हमारा झटपट से गाजर मूली और मिर्ची का अचार बनके तैयार है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं 15 दिन तक बिना फ्रिज के भी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी यूनिक और ईजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक और ईजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।